बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर सारा। लेकिन अभी तो तनख्वाह ही नहीं मिली डॉक्टर बरकत, तब मुबारक हो का शोर क्यों मचा? देखिए देखिए, अब मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। क्यों? डॉक्टर जलाल ने ये हॉस्पिटल आपके नाम कर दिया है क्या? बस ये समझ लीजिए आपको सदमा हुआ है डॉक्टर बरकत। अरे नहीं डॉक्टर सारा, मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या डॉक्टर जलाल ने मुझे छुट्टी दे दी है? विनय, मेरी शादी हो रही है डॉक्टर सारा। क्या? हाँ हाँ, अभी तो लड़की के भाई से रिश्ते की बात तय करके आ रहा हूँ। डॉक्टर बरकत आप सच कह रहे हैं? नहीं मैं सच नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी हो रही है। किससे? आपको यकीन है कि मैं किससे शादी कर रहा हूँ? ओहो बताए ना कि किससे कर रहे हैं। डॉक्टर जलाल। क्या डॉक्टर जलाल से? आप तो वाकई पागल हो गए डॉक्टर बरकत। ओहो डॉक्टर सारा पूरी बात तो सुन ले आप। चपादी बात ही इतनी वाहियात है तो पूरी बात कितनी होगी? नहीं नहीं मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। देखिए डॉक्टर सारा, मैं डॉक्टर जलाल की बहन से शादी कर रहा हूँ। क्या? जी, और वो इस हॉस्पिटल की 40% शेयर्स की मालिक है, तो अब आपका नेक्स्ट बॉस मैं हूँगा। आपको बॉस बनाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। देखिए डॉक्टर सारा, आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ही नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी डॉक्टर बरकत। ये आप मेरी तारीफ कर रही है ना? जी नहीं। देखिए आपको मिठाई खानी है तो खाएं, वरना मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, शेरवानी का नाप भी देना है मुझे। तो जाएं आप जाकर अपनी शेरवानी का नाप लें, मुझे नहीं खानी आपकी मिठाई। तप क्यों रही हैं आप इतना? जाएं। तप रही हैं आप, तप रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नहीं मिली क्या? मिली नहीं एमएस, मुझे मिला नहीं। क्या? डॉक्टर बरकत। अरे रो क्यों रहे हो, मैं बता तो कैसे मिलेगा? कैसे एमएस? यहाँ से सीधे यहाँ जाओगी ना तो कमरा नंबर 302 वहाँ बैठे हुए। ऐसे नहीं मिलेगा एमएस। अरे मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, कमरा नंबर 302 से वहीं बैठे हुए थे। डॉक्टर बरकत शादी कर रहे हैं एमएस। 302 में? 302 में सिर्फ फांसी होती है एमएस, शादी नहीं। एक ही बात है, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर जलाल से कहता हूँ कि डॉक्टर बरकत कमरा नंबर 302 में बैठे शादी कर रहे हैं। डॉक्टर बरकत डॉक्टर जलाल की बहन से शादी कर रहे हैं एमएस, और डॉक्टर जलाल को सब पता है। तो तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि डॉक्टर बरकत मुझे पसंद है एमएस। पसंद तो मुझे भी है, मैं नहीं रो रहा। क्या? हाँ अच्छा लड़का है, मेरी इज्जत भी करता है। ओहो एमएस, डॉक्टर बरकत से मुझे शादी करनी थी। अच्छा तो तुमने की क्यों नहीं? मुझे थोड़ी पता था कि डॉक्टर बरकत किसी और से शादी कर लेगा। अब क्या हो सकता, चिड़िया खेत चुग गई। आपका खेत चिड़िया खा गई? मेरा नहीं तुम्हारा। लेकिन मेरा तो कोई खेत नहीं है। ओहो मैं तो मुहावरा बोल रहा था। मुहावरा तो आपने अब बोला है एमएस। अरे नहीं अब तो मैं लाइन बोल रहा हूँ। एमएस आप जाए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बेटा मेरे जाने से तुम्हारे परेशानी दूर हो जाएगी क्या? नहीं लेकिन कम जरूर हो जाएगी। शादी कब? मुझे नहीं पता, अब खुद जाके डॉक्टर बरकत से पूछे, समझे आप? मैं जा रही हूँ। बोलो। आप नाजुक है ना? कोई शक? जी लड़की हूँ, नाजुक तो होंगी। मैं बरकत। इत्तेफाक में बरकत या इत्तेहाद में बरकत? खाली बरकत। ये खाली बरकत किस काम का? देखें आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको जानना भी नहीं चाहती। क्यों, कोई मजबूरी है क्या? नहीं ये मेरी मर्जी है। तो राजी तो मैं भी हूँ ना। ये जलाल कहाँ मिलेंगे? अरे जहाँ आप उनसे मिलना चाहें वो वहाँ मिल जाएंगे, आखिर आपका अपना हॉस्पिटल है और क्या। हाँ ये तो है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आपको डॉक्टर जलाल ने नहीं बताया क्या? वैसे तो आप कल आने वाली थी ना? वो असल में मैं सरप्राइज देना चाह रही थी जलाल को। अच्छा, वैसे डॉक्टर जलाल के पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या? आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे शर्मा रही है। क्यों, आपकी शादी हो रही है क्या? नहीं सिर्फ मेरी नहीं। जी जी बोलिए, रुक क्यों गए? एक्चुअली शर्म आ गई थी।
आप जाए ना आप डॉक्टर जलाल के पास, मैं आता हूँ। सुनिए जी, डॉक्टर जलाल कैसे इंसान है? क्यों आप उन्हें जानते नहीं क्या? कुछ ज्यादा नहीं। बरकत इम्तिहान ले रही है ये, खूब पेट भर कर डॉक्टर जलाल के बारे में झूठ बोल, तारीफ कर उनकी, फिर देख क्या होता है। कहाँ खो गए? कहीं, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर जलाल जो है वो एक अजीम आदमी है। हाँ, बल्कि उन्होंने तो मुझे अपने बिल्कुल सगे बेटों की तरह प्यार किया है, और आपसे तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो। वाकई? हाँ, बल्कि आपके लिए तो बेहद फिक्रमंद रहते हैं वो। अच्छा। हाँ, तभी तो उन्होंने ये बात तय की है। आप जाएंगे डॉक्टर जलाल के पास? मैं आता हूँ। अरे हाँ नाजुक, जब तुम देखोगी तो तुम खुश हो जाओगी, लड़का बहुत अच्छा है। क्या कल तुम आ रही हो? वेरी गुड, तो तुम ऐसा करना सीधा हॉस्पिटल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके गुड। मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है। अरे भाई तुमको भी मुबारक हो, और ये तुम मुझे सर मत कहा करो, क्योंकि अब तो मेरे बहनों ही हो। थैंक यू जलाल भाई। अरे अभी मैं नाजुक से ही बात कर रहा था, कल आ रही है वो। मगर वो तो आ गई थी ना सर, आपसे नहीं मिली क्या? अरे मेरी अभी अभी फोन पे बात हुई है, तुम्हें लगता है ऐसा, अभी वो आई नहीं है। तुम्हें ऐसा लगने लगा है, तुम उसके बारे में सोचते हो, तुमने ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं सर, वो मैं क्या सोच रहे हो बरकत? अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सर, मैंने ख्वाब ही देखा होगा सर, वो कल ही आ रही होंगी। हाँ हाँ भाई, तुम तैयारी कर लो, कल तुम्हारा निकाह होगा। अरे सर कल क्या, मैं तो आज निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि अभी तैयार हूँ। बरकत खुदा तुम्हें खुश रखे, नाजुक से शादी करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आपकी बहन इसका मतलब मेरी नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का यह है कि आप परेशान नहीं हो, मैं नाजुक का बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा मैं उसे सर। हाँ तुम खुश रहोगे कि नहीं ये मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ कहा सर आपने? मैं ये कह रहा था कि इस ईद पे तुम्हें दो दो खुशियां मिलेंगी। सर आपको भी बहुत बहुत। भाई आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, डॉक्टर बरकत और मेरी बहन नाजुक की शादी हो रही है, इसलिए बहुत मुबारक दे। जलाल भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंगूठी। कैसी बातें कर रहा है पागल, लड़की को तो आने दो। लेकिन लड़की तो यहाँ मौजूद है ना। कहाँ? ये अरे तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, मलाइका से तो मेरी शादी हो रही है। तो फिर नाजुक कौन है डॉक्टर जलाल? बस अभी आती होगी, अभी मेरी फोन पे बात हुई है। अरे वो देखो नाजुक आ गई। तुम्हारी शादी होगी बरकत नाजुक से। अरे बरकत उठो उठो नाजुक को ईद, अरे उठो नाजुक को ईद मुबारक को। अरे ईद मुबारक कहो, ईद मुबारक कहो, ईद मुबारक।